दोस्तों, आजकल की उलझन भरी लाइफ ऐसी है कि लोगों को मानसिक समस्याएं ज़्यादातर होती हैं, जैसे कि डिप्रेशन या पैनिक डिसऑर्डर, एंग्जाइटी। ये सब होना एक कॉमन सी बात है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम ऐसी एक टैबलेट के बारे में बात करने वाले हैं जो एंटी डिप्रेशेंट होती है और अलग अलग प्रकार के मूड डिसऑर्डर्स में यूज़ की जाती है। दोस्तों, ये टैबलेट होती है एसिटालोप्राम ऑक्सलेट टैबलेट। इस वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं कि ये टैबलेट होती क्या है, इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे किया जाता है, इसके अलावा इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, स्पेशल प्रिकॉशंस क्या होते हैं, और इसकी डोज भी हम लोग देखेंगे, इसकी कौन कौन सी ब्रांड मार्केट में आती है, सब कुछ बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं एसिटालोप्राम ऑक्सलेट टैबलेट के बारे में। दोस्तों, अगर एसिटालोप्राम ऑक्सलेट टैबलेट के बारे में देखा जाए तो ये एक प्रकार की सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर यानी SSRI एंटी डिप्रेशेंट होता है, और ये हमारे ब्रेन के अंदर में सेरोटोनिन की मात्रा को इंक्रीज करता है। क्योंकि सेरोटोनिन जब हमारे ब्रेन में बढ़ता है तो ये एक प्रकार का ऐसा केमिकल मैसेंजर होता है जो अलग अलग प्रकार के मूड डिसऑर्डर को ठीक करता है। ये हमारे बॉडी के अंदर में हमारा जो ब्रेन है उसके प्रभाव को सही करता है। साथ में दोस्तों, ये हमारे जो डिप्रेशन का सिम्टम्स होता है या दूसरे मूड डिसऑर्डर का सिम्टम्स होता है फिजिकली एंड मेंटली उसको ठीक करने का काम करता है, क्योंकि सीरोटोनिन ये काम करेगा और सीरोटोनिन को ये मेडिसिन बढ़ाती है। बात करेंगे किन किन बीमारियों में ये यूज़ होता है दोस्तों। तो ये यूज़ किया जाता है एंग्जाइटी में। ये एंग्जाइटी का मतलब, अगर आदमी कुछ सोच करके बैठा हुआ है बिल्कुल शांत, डिप्रेशन का जो पहला पड़ाव होता है वो एंग्जाइटी होती है, चिंता। तो अगर ऐसी समस्या है तो एसिटालोप्राम वहाँ पे दी जाती है उसको ठीक करने के लिए। इसके अलावा दोस्तों, पैनिक अटैक्स, पैनिक डिसऑर्डर्स में भी इसका यूज़ किया जाता है। एंग्जाइटी के बाद जो दूसरी कंडीशन होती है वो पैनिक अटैक होती है, पैनिक डिसऑर्डर्स होती हैं। इसमें इंसान को घबराहट सी महसूस होती है और अजीब सा लगता है, उसे ऐसा लगता है कि कुछ अभी हो जाएगा, कुछ गड़बड़ हो जाएगा, जबकि कुछ हुआ नहीं रहता है, लेकिन पेशेंट को ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ खराब हो जाएगा। ऐसे कुल मिला के ऐसे थॉट्स आते हैं ब्रेन में, एंड ये पैनिक डिसऑर्डर्स होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, जब भी हम पैनिक डिसऑर्डर के बारे में डिटेल में बात करेंगे तो वहाँ पर आपको बताएंगे। दूसरी जो दोस्तों अगली जो प्रॉब्लम आती है वो है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये भी ब्रेन से संबंधित एक डिसऑर्डर है जो डिप्रेशन से ही संबंधित है। तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता क्या है, तो इसमें पेशेंट ओवर थिंकिंग करता है, पेशेंट की थॉट बढ़ जाती है और ज़्यादातर वो थॉट नेगेटिव होती है, एंड पेशेंट साथ में ज़्यादा सोचने लगता है, छोटी सी बात को लेके बहुत बड़ी चीज़ सोच लेता है और फिर वो एंग्जाइटी में चला जाता है। साथ में दोस्तों, वो ज़्यादा बोलने लगता है, तो इस सब कंडीशन को हम लोग ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं। तो यहाँ पर भी एसिटालोप्राम ऑक्सलेट टैबलेट्स यूज़ की जाती हैं डॉक्टर्स के द्वारा। नेक्स्ट जो अगली जो बीमारी है दोस्तों वो है डिप्रेशन। ये भी एक प्रकार का मूड डिसऑर्डर है, एंड डिप्रेशन इन सभी के बाद आता है, समझ लीजिए। तो डिप्रेशन एक ऐसी कंडीशन है जब एंग्जाइटी, पैनिक अटैक्स या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की वजह से जो मूड होता है वो बिल्कुल अल्टर हो जाता है, एंड पेशेंट किसी से बातचीत नहीं करता, बोलता नहीं, उसके मन में नेगेटिव थाट्स आते हैं अलग अलग प्रकार के, तो वो कंडीशंस होती हैं डिप्रेशन की। तो ये सारी कंडीशंस में हम लोग एसिटालोप्राम ऑक्सलेट टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये विशेष तौर पर एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन होती हैं। नेक्स्ट, अगर अब हम बात करें मार्केट में इसकी कौन कौन सी ब्रांड आती है दोस्तों, तो मार्केट में ये अलग अलग नामों से आता है। जैसे ये मार्केट में रेक्सिप्रा के नाम से आता है, स्टेलोपाम के नाम से आता है, फेलिज एस के नाम से आता है, सीप्राम एस के नाम से आता है, एटप्राम के नाम से आता है, लेक्साप्रो के नाम से भी मार्केट में आता है, और भी इसकी जो मेडिसिन आती है वो एसिटालोप्राम के नाम से भी आ सकती है, जो एक जेनरिक मेडिसिन हो सकती है जो आपको सस्ते दामों पर मिल सकती है। तो जो भी आपको डॉक्टर लिखते हैं आपको वही लेनी है, जो भी ब्रांड लिखते हैं, जो भी जैसा लिखते हैं, क्योंकि उससे क्या होगा कि वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको मेडिसिन देंगे। तो ये सारी ब्रांड्स होती हैं। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूँ दोस्तों इसके स्पेशल प्रिकॉशंस के, कि किन बातों का ध्यान रखना है अगर आप एसिटालोप्राम ऑक्सलेट टैबलेट ले रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहली चीज़, तो एसिटालोप्राम थोड़ा सा सेडेटिवनेस देती है, यानी कि सुलाती है हल्का सा। तो आप कह सकते हैं ना कि इसको हम अल्कोहल के साथ में
या दूसरी जो सेडेटिव मेडिसिन होती हैं उसके साथ में इसको नहीं लेना चाहिए, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो सकती हैं। दूसरी मेडिसिन और अल्कोहल का जो सेडेटिवनेस है उसको बढ़ा सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों इसको लेने के बाद ड्राइविंग नहीं करना चाहिए, हैवी मशीनरी वर्क नहीं करना चाहिए, और अगर आपको सीवियर रीनल या हिपेटिक डिसऑर्डर है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर बताएँ। और इसी टाइम लेने से पहले ध्यान रखें कि जो सीवियर हिपेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, लीवर से संबंधित, किडनी से संबंधित जो समस्याएँ होती हैं, वहाँ पर ये मेडिसिन नहीं दी जाती है। अब मैं बात करूं इसके साइड इफेक्ट के बारे में, तो इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं दोस्तों। जैसे कि अगर आप इसे लगातार लेते हैं कई दिनों तक, वैसे 1 से 2 हफ्ते तक लेने पर कोई समस्या नहीं आती है, लेकिन इसके बाद अगर आपको ये मेडिसिन दी जाती है तो आपको फटीग महसूस हो सकती है, इनसोम्निया भी हो सकता है, यानी कि एक्चुअली आपको नींद तो आएगी लेकिन सोने में डिफ़िकल्टीज आएंगी, ठीक है। तो इसके अलावा नौजिया हो सकता है, एजेकुलेशन डिसऑर्डर्स आ सकता है, एंड एबनॉर्मल ड्रीम्स आते हैं, अलग अलग प्रकार के सपने आते हैं, एंग्जाइटी हो सकती है। एक्चुअली एंग्जाइटी की मेडिसिन है, लेकिन अगर आप लंबे समय तक लेते हैं तो एंग्जाइटी की समस्या आ सकती है, आपको बढ़ सकती है। इसके अलावा दोस्तों डायरिया की समस्या आती है, डायरिया हो सकता है, हेडक हो सकता है, वेट आपका बढ़ सकता है, नोज़ का इन्फ्लेमेशन हो सकता है। तो कुल मिला के ये सारे साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आएंगे ही, रेयरली भी आते हैं, लेकिन हाँ अगर लंबे समय तक यूज़ करते हैं तो आ जाएंगे। लास्ट में मैं अब बात कर लेता हूँ दोस्तों इसकी डोज़ कितनी दी जाती है पेशेंट को। एक्चुअली इसकी जो डोज़ होती है वो 10 mg की मेडिसिन दी जाती है डेली, एक बार आपको लेने की सलाह दी जाती है, करीब शाम के टाइम आपको दी जाती है दोस्तों। इसको लेट नाइट नहीं लेते हैं, अगर लेट नाइट हम लेते हैं तो सुबह उठने में दिक्कत आती है, ठीक है। एंड दूसरी चीज़, अगर सीवियरिटी है यानी कि बीमारी ज़्यादा है तो इसको 20 mg तक पर डे हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं, यानी 10 से 20 mg इसकी जो मैक्सिमम डोज होती है वो 20 mg होती है। तो इस प्रकार से ये मेडिसिन दी जाती है, लेकिन हाँ दिन में एक ही बार इसको लेने की सलाह दी जाती है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने बात किया एक SSRI एंटी डिप्रेसेंट के बारे में, जो है एसीटैलोप्राम। अब वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के पास शेयर करिएगा। दोस्तों हमारा हेल्थ मुख्य चैनल एक बार जरूर देखिएगा, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।